बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग बहुत टाइम बाद आए क्योंकि कुछ मेरे एग्जाम्स थे, कुछ हो जाती स्टडीज थी, तो इस वजह से हमें टाइम नहीं मिला। हम लोग हर रोज ही बिजी रहते हैं लेकिन अब हमने क्या हो जाना है रेगुलर, जो कि सब हमारा टॉपिक है कि इंडिया चांद पर कैसे गया और कैसे उसने तरक्की हासिल की। तो उसका रिएक्शन हमें लोगों से पूछना है कि लोगों की क्या राय है इस बारे में। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कराची में लोग अपनों में ईद मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हम इनसे पूछेंगे चांद पर जाने इंडिया चांद पर चला गया तो उनका क्या रिएक्शन है। यहाँ पर हमारे पास एक आंटी मौजूद है, तो हम इनसे पूछते हैं सवाल जवाब करते हैं। सवाल यहाँ पर हमारे पास पूछती जल्दी नहीं बेटे पिछी हो तू परे हो तेरे तो बोल अपने नहीं आंदा पे क्या जी गीत वैंकर भरा मेनू मैं तुहानू दस दी कंज दी चांद पापा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू दस। हाँ मैं भी ठीक हूँ। मैंने आज आपसे पूछना कि जो इंडिया चांद पे गया है उसे इतनी तरक्की हासिल कर दी, तो आज इसका क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया के मुताबिक? बेटा मैं सिर्फ ने मैनू मम्मा एक फरा दे बेटा जरा इतने फरा। बेटा मैं बस ना ये कहना चाहूँगी कि ये जो चांद पे जाके ना तरक्की किया क्या खर्च मारे इन लोगों ने हैं, इतनी तरक्की अगर ये लोग जमीन पे करे तो आज हमने कहाँ से कहाँ पहुँची होते। नहीं नहीं तो चार पे जाके क्या धोखा मारे तीर इन्होंने। नहीं तो बेटा मैंने दस वो तो पैसे लाने तो चांद तो गए सी गए चांद तो बाजी तुसी पहले पंजाबी सीख रहा तुसी। हाँ मुझे बताओ जरा, वो तो पैसे लगा कर चांद पे गए, हम तो पहले से चांद पे मौजूद है। आप कैसे? हाँ मुझे आप बताए ना, चांद पे बिजली है? नहीं। यहाँ पे बिजली है? नहीं ना। नहीं। चांद पे गैस है? नहीं। तो यहाँ पे भी नहीं है, तो बेटा सेम बराबर हुआ, उन्होंने जाके क्या खर्च मारे मेनू दसो। इतने पैसे मैंने दे दिए थे, इतने हालात खराब। अच्छा तो आप आंटी इमोशनल हो गई है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट पर अब हम अपने नेक्स्ट। हमारे पास एक और है ऑल लेडी, पता नहीं वो हमसे बात करती है या नहीं करती, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी वीडियो में आए और आके हमसे बातचीत करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम आंटी, जीती रहे बेटा, खुशी का ख्याल रहे, सबका मेरी अन्न कबा मुझे नजर नहीं आता बेटा, मेरी अन्न कदा ही बेटा मेरी ग्लासेस दे दे। आंटी तुसी टीवी ते आदे पए हो? किथे टीवी ओ अन्न लाओ पहले तुसी। हां आपका क्या नाम है आंटी? बेटे जमीला। जमीला? अच्छा जमीला दादी, मैं आपको दादी कह सकती हूँ? दादी होगी तेरी माँ। दादी का लड़की बोल लड़की। आजकल की तो क्या कर सकते हैं हम जनरेशन के बारे में। आज मैं आंटी आपसे बात पूछने लगी हूँ कि इंडिया ने चांद पे कदम रख लिया है, क्या तरक्की हासिल कर ली है? क्या बेटा ऊंची बोली? इंडिया ने चांद में कदम रख लिया है, तो आप उसके मतलब? इंडिया ने चांद में कदम रख लिया है? इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, उसने बहुत तरक्की हासिल कर ली है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप उसके मतलब क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान अपनी राय? बेटा मैं तो ना तुम लोगों को यही कहना चाहूंगी कि जो है ना चांद पे जाके किसी ने जो है ना अनोखा बेटा की तू बोल ले से बच्चे याद आ रहे हैं। आंटी आपके बच्चे नहीं है क्या? नहीं बेटा सब छोड़ के चले गए, मेरी उम्र जब 15 साल थी, मेरा बेटा 20 साल का था। पाकिस्तान की गुर्बत की बता सकती है कि गुर्बत किस कदर है? बहुत ही महंगाई है थे, तो बिजली के बिल कितने कितने आ रहे हैं लोगों के। मेरा बिजली का बिल जो है ना बबी कोई बेटा तुझे तो पता है पहले मैं किसी करीना कपूर से ज्यादा नहीं लगती थी, लेकिन अब तुम्हें अश्वेरा की खाने को कपड़ा ना पीने को पानी गुफ्ता मेरी बच्ची। उनको अपनी बच्ची याद आ गई, चलो कोई बात नहीं, हम किसी और से मिल जाएंगे। आंटी आपको मिल जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। आपको पता चल गया कि हमें यहाँ पे कितने निकम्मी औरतों को आंटियों से बच्चियों से बात की बहुत ही ज्यादा। आंटी होगी तेरी माँ। यहाँ पर हम बात करते हैं एक लड़की से, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो चले उनकी राय हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका क्या नाम है? एलेक्स बेटी का फैन। नहीं पहले आप लड़की हैं या लड़का हैं? आपको नजर नहीं आता यहाँ से मैं लड़का हूँ, एलेक्स का फैन हूँ। ठीक है अच्छा, एलेक्स थोड़ा सा
मैं इससे ज़्यादा चिपके ना, ठीक है? अच्छा, आप एलेक्स फर्टी के फ़ैन हैं, मुझे दूर से लगा कि आप लड़की हैं, कोई देखने वालों को भी लड़की लग रहा होगा, लेकिन शुक्र आपने उसको क्लियर कर दिया कि आप लड़की हैं। तो क्या ज़ाहिर सी बात, आपको नज़र नहीं आ रहा एक लड़का बैठा हुआ है, इतने प्यारे बाल उसके लंबे लंबे। अच्छा, तो आपने आपके भी हुसैन वाले बाल नहीं होंगे जितने हमारी सूट में। आपने अपनी लुक जो आप क्या कहते हैं क्रिएट की, मैं इंस्पायर्ड जो हूँ ना वो मैं एलेक्स से हूँ, बिकॉज यू नो एलेक्स जो है ना मेरा फेवरेट टिकटॉकर है। आई थिंक एलेक्स फर्टी के इतने फैन फॉलोइंग नहीं है जितने आप उसके पीछे इतना। आपका नेम मैंने बताया तुझे? नहीं, असल में नेम, रियल नेम। मेरा नेम जो है शगुफ्ता। नहीं, आप सोचते मेरा लड़की है लड़का है या ट्रांसजेंडर? मुझे खुद ही आज तक पता चला मैं लड़का हूँ या लड़की। मेरे खुद ऐसे बालों से देखो, मेरा ऐसे बड़दाना, मेरी आवाज है, की कर सकते हैं। चलिए खैर, सब कुछ छोड़ो, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि बस एलेक्स तो फॉलो करो तो सब जो है ना लड़के एंज दे बंद हो जाते हैं। मैं हाँ जी, इंडिया ने चांद पे कदम रख लिया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि कहना सानू कह रहा हो कि फायदा होता पाया है, चांद पे हो गए पाकिस्तान जो है वो गला कर दे पाए ने। नहीं, आपको जलसी हो रही है इंडिया वालों से। अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं ना टिकटॉक्स बनाता हूँ, एलेक्स का फैन हूँ, तो एलेक्स वाली हरकतें। तो आप अपनी आईडी मेंशन कर सकते हैं, लोग देख सकते हैं एलेक्स की कॉपी। ठीक है, आपसे बात करके बहुत खुशी महसूस हुई। तब हम बात करते हैं अपने अलग अलग लोगों से, चले जाएं। ना आपको पता है कि हमने सड़क छाप लोगों से कितनी बातें की हैं। सड़क छापों के तरफ सड़क छाप लोगों से कितनी बातें की, कुछ कुछ भिखारी भी थे, कुछ जो भी थे। खैर, अब हम करते हैं एक अंकल से बात, और अंकल के बारे में पूछते हैं कि क्या राय है। की हाल है तुम्हारा? जी मैं तो बिल्कुल ठीक है, तुम दसो? हाँ, मैं भी आ रहा ठीक। नहीं, मेरे नाल ना पंजाबी च गल करो, सानू ना उर्दू नहीं आती। अच्छा, मैंने आज थोड़े नाल ये सवाल करना है कि इंडिया ने चांद कदम रख लिए थे, थोड़े क्या नजरिया आता है? बहुत ही खुश है गया चांद में वेख के ना, तो सानू से जी असि है सिख हाँ, लेकिन इंडिया ने तो पुत्र ही है चांद पैर रख लेता है, असं तो कभी घर बार पैर नहीं रखे, असं की दसी तैनू। बहुत दुखी की बात है। चलें, आप चांद को छोड़ें, आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करवाएं। मेरी जर्नी है कि मैं बंक मार के जो है ना पाकिस्तान आया सी। अच्छा, पाकिस्तान वैसे ही विजिट करने आए हो, घूमने फिरने आए हैं? विजिट करने वैसे पैसे नहीं है सारा, सिर्फ कारोबार करने आए थे। इंडिया के तो हालात और खराब हो गए ने, पाकिस्तान आए तो सारा और खराब। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 20 थी गया ना। हाय अल्लाह, आपकी 20 बेटियां, और आप अकेले हैं, तो आप कैसे उनको पाल पोस रहे हैं? आप बता सकते हैं हमारे, आप अकेले कैसे उसको संभाल रहे हैं अपने बच्चों को? अकेले नहीं, साथ नालो मेरी नूह भी हैगी है। आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी नहीं वैसे तो ज्यादा पसंद आना चाहिए, मेहनत बहुत ज्यादा की है। बहुत मेहनत की है, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय। नहीं बेटा, तुम्हें 10 होते पैसे ना तो फिर नहीं यार, चलो उठ के कर। नहीं बेटा, चलो चलो, अरे बच्चे रे पाल। तो गाइस, आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड, आई एम नॉट आंटी, तो गाइस आप देख सकते हैं मैं लड़की बन जाती हूं। हाय गाइस, कैसी हैं आप? आजकल खूबसूरत लड़कियों के भी नखरे आसमानों पे होती हैं। कैसी हैं आप? क्या मैं आपको अगर आपके मुझे मन चढ़ के चला गया। बहुत दुखी हूं। एक मिनट, मैं सना एंकर बेचे तो बिल ना बहुत ही महंगा हो गया है, वो तकरीबन 40 साल से हो बेटे, ट्रांजिशन बनानी पड़ेगी इधर भी। हाँ, तो बिजली का बिल जैसे कि हमारा जो है ना 40,000 से ज़्यादा नहीं आया। आपका क्या नाम है? मेरा नेम जुबैर। जुबैर? नहीं, मेरा नाम जो है ना एलेक्स बर्टी का फैन। एक हेलो, क्या है? खुश है गया चांद में वेख के ना, तो सानू से जदी इंडिया ने तो चांद के पैर रख लिया, घरों बाहर कभी पैर नहीं रखे। हाँ, इंडिया ने पैर, जो पंजाबी बताती जाओ ना उसका। इंडिया ने तो चांद तो का है क्या? इंडिया ने चांद के पैर रख लिया। हाँ, इंडिया ने तो चांद के पैर रख लिया, असि तक कभी घरों बाहर पैर नहीं रखे। चांद तो पैर रख लेता है, कभी घर तो पैर नहीं रखे, घर तो बाहर कैमरे में देखे, बाहर कभी पैर नहीं रखे। चल उल्टी पुल्टी बोल। हां जी, एक मोड फिर क्लिप कर लो ना। चलो, इंडिया ने चांद पैर, ठीक है गुरबख्श, इंडिया ने तो चांद तो पैर रख लेता, असि तो कभी घर बाहर नहीं पैर रखे, तुम असि की दसा।
अच्छा चलो बहुत दुखी हो की दसी है चल फिर से बोल इंडिया ने ते पुत्ते तानू अपने कार की दस अपने बारे च की दसा कार वाले मेनू काम कहंदे ने मैं ओना तो आवाजार बाहर वाले मेनू मुंह नहीं लांदे ठीक है पुत्री मैं तानू अपने कार वच अपने बारे च की दसा टूटी टूटी पुटी बोल दे कोई बात नहीं